राधे कृष्णा की कथा एक अत्यंत सुंदर और रोमांचक प्रेम कहानी है। इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के महानतम लीलाओं और प्रेम के अद्भुत संदेश को सीखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में जन्मे ब्रज की राजकुमारी राधा के जन्म की ध्वनि होती है। उनकी माता यशोदा और पिता वृषभानु को बेहद आनंद होता है। राधा की कदर उनके गाँव के लोग भी बड़े भक्ति भाव से करते हैं। बचपन से ही राधा और कृष्ण के बीच अद्भुत प्रेम बना हुआ था। दोनों मित्र और साथी थे। एक दिन कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे तुम मुझे कौन से वृंदावन के वृक्षों में सबसे प्यारे हो? राधा ने हंसते हुए कहा, ओ कान्हा तुम सभी वृक्षों में सबसे प्यारे हो। इससे कृष्ण को और भी प्रेम आया और वे दोनों साथ में नचने लगे। कृष्ण ने बांसुरी बजाना सीख लिया था और राधा को सुना रहा था। एक दिन वृंदावन के वन में वृंदा देवी के पास चिर वृंदावन आए एक वृक्ष में अटकी चांदनी देवी का आत्मा। उसने कहा, कृष्ण के बांसुरी की मिठास को सुनकर मुझे आराम मिल जाता है। उसे सुनने के लिए मैं दिन रात यहाँ बिताती हूँ। वृंदा देवी ने वृक्ष की उपासना अर्चना की थी और उसका फल चांदनी के देह से जुड़ा हुआ था। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर राधा को चांदनी देवी की याद आई। उन्हें वृंदावन के अन्य वृक्षों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राधा ने कृष्ण से कहा, मेरे कान्हा मैं चांदनी देवी की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। कृष्ण ने राधा की इच्छा पूरी करने का वचन दिया और राधा ने वृक्ष के नीचे अर्चना की शुरुआत की। वृंदावन के सभी वृक्ष राधा के साथ जुड़े थे और वे सभी ने एक साथ चांदनी देवी के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया। अंत में चांदनी देवी का आत्मा विमुक्त हो गया और उसका फल उनके देह से जुड़े हुए हार में बदल गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम में बढ़ने से हम भगवान के साथ और भी अधिक समर्थ हो जाते हैं और हमारे मन में शुद्धता और भक्ति का अनुभव होता है। राधे कृष्ण की कथा हमें प्रेम की अमित शक्ति को समझाती है और हमें भगवान के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने का मार्ग दिखाती है।